दवा पिला दी जी रानी जी, दवाई पिला दी है। तबीयत पहले से बिल्कुल ठीक है, लगता है रात भर आराम से सोएंगे। शमशेर सिंह, तो आज तू अपनी सात पुरुषों की नमक हलाली के माथे पर नमक हरामी का कलंक लगा रहा है। कलंक? हाँ, कलंक नहीं राजकुमार, तुम्हारे खून का तिलक। बच्चों को लेके भाग जाओ रूपा। नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आज्ञा का पालन करो। पिताजी! लीला, तुम छोटे कुमार को लेकर कहीं भी चली जाओ। पकड़ लो, नहीं यहाँ से बच के कोई जाने न पाए। मिली कहीं? नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माँ भाग जा, शमशेर ये तो मर गई है, लेकिन इसके दोनों बच्चे थे, देखो वो कहाँ गए। सरकार, लीला दूसरे कुमार को लेकर भाग गई। लीला इतनी रात गए? दरवाजा बंद कर दीजिए। क्या हुआ लीला? शमशेर सिंह और नार सिंह ने युवराज युवरानी को मार डाला है। हाँ? बड़ी मुश्किल से कुमार को लेकर भाग गई हूँ। लेकिन दूसरा कुमार कहाँ है? भगवान अब क्या होगा? होगा यही, सब नमक हलाल चुन चुन के मारे जाएंगे और नमक हराम ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठेंगे। समय को इस राजकुमार के जवान होने का इंतजार करना होगा। सुनिए, घोड़े आ रहे हैं। शायद वो राजकुमार को ढूंढने के लिए यहीं आ रहे हैं। इस वक्त इस घर में एक ही उम्र के दो बच्चे हैं, एक राजकुमार और एक हमारा बच्चा लीला। ये बलिदान की घड़ी है। नहीं! हाँ लीला, हाँ नहीं! लीला नहीं! लीला, राजकुमार का जिंदा रहना बहुत जरूरी है लीला। तुम कुमार को अंदर जाकर किसी कमरे में छुपा दो। जाओ लीला, जल्दी करो। वो सुनो, घोड़ों की आवाज बिल्कुल पास आ रही है। लीला जाओ, जाओ लीला, जाओ जाओ। Thank you.
कुमार कहाँ है? तुम्हारी पत्नी से यहाँ लाई है। यहाँ कोई कुमार उमार नहीं है, भागो मत। यहाँ कोई कुमार नहीं है, खबरदार। आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। आग लगा दो इस घर को और इस रास को यहीं जल जाने दो। पता नहीं सरदार, शायद पानी में बहकर आया है। कपड़ों से तो किसी अच्छे खानदान का लगता है। इसे अंदर ले चलो। अच्छा। मैं आओ महाराज। नाहर सिंह, क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? बोलूं कैसे महाराज, जो कुछ हुआ है वो कहने से पहले अगर मैं मर गया होता तो बहुत अच्छा होता महाराज। हमारी मौत को और मुश्किल न बनाओ नाहर सिंह। युवराज कहाँ है? वो क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? महाराज, युवराज और युवरानी दोनों राजकुमारों के साथ डाकुओं को हाथों बहुत बुरी तरह मारे गए। क्या? महाराज, हकीम साहब, महाराज सदमा बर्दाश्त न कर सके नहीं और हमें छोड़कर चले गए। महाराज, सरदार, सरदार गजब हो गया। क्या हुआ? युवराज युवरानी दोनों राजकुमार शिकारगाह पर खत्म कर दिए गए और बिचारे महाराज सुनते ही गुजर गए। राजगद्दी पर कौन बैठा? शमशेर सिंह और उसका भाई नाहर सिंह दीवान बन गया। इस राज का तो अपमान ही मालिक है। जितनी जल्दी हो सके इस राज की सीमा से बाहर निकल जाना चाहिए। पड़ाव उठाने की तैयारी करो। जो आज्ञा सरदार। हम आज यहाँ से कूच करेंगे। महाराज की जय हो। हम महाराज हो गए। ये महल, ये किला, ये रियासत हमारी हुई। हम भी आप ही के हैं महाराज। बेशक बेशक। और ये हम कभी नहीं भूल सकते कि बुद्ध महाराज और उसके परिवार को रास्ते से हटाकर हमें महाराज बनाने में आप लोगों का कितना बड़ा हाथ है। सच पूछिए, इस वक्त हम महाराज को यही याद दिलाने के लिए हाजिर हुए हैं। ये सरदारियां तो हमारे पास पिछले राज के जमाने में भी थी। उदय भान सिंह, और आपको क्या कहना है? हमने आपके लिए अपनी जिंदगी की बाजी लगा दी है महाराज। ओ, तो अपनी जिंदगी का क्या दाम ठहराया आप लोगों ने? दाम महाराज? सरदार, इनाम वो होता है जो बखुशी दिया जाए और दाम वो होता है जो मांगा जाए। आप सरदार शमशेर सिंह रियासत के महाराज बन चुके हैं, वो आप सबको मुंह मांगे दाम दे सकते हैं। मेरे ख्याल में सरदार उदय भानु सिंह को इस रियासत का दीवान होना चाहिए।
और सरदार मानिक को वजीर खजाना और मुझे प्रधान सेनापति। और हकीम साहब आप? इस खादिम को तो हकीम ही रहने दीजिए महाराज, है बस उस जहर का दाम मिल जाता तो इस खादिम का काम चल जाता। महाराज को याद होगा स्वर्गवासी महाराज को मैंने ही स्वर्गवासी बनाया था। कितने का था वो जहर? ए, सिर्फ 50 लाख रुपया। और अगर महाराज इनकार कर दें तो? महाराज इनकार नहीं कर सकते क्योंकि अभी ताजपोशी की रस्म बाकी है और ताज पहनने के लायक और भी कई लोग हैं इस रियासत पे। हकीम साहब तुम्हारी हिम्मत कि महाराज के सामने गुस्ताखी? नाहर सिंह ये क्या कर रहे हैं आप? नाहर सिंह दोस्तों में बात चलती है तलवार नहीं। वैसे आप लोगों का कहना सही है, काम आप लोगों ने किया है इनाम जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आप लोगों के मांगने के तरीके से इंतहाई कमीनेपन और बगावत की बू आती है। महाराज हमने कोई गद्दारी नहीं की है महाराज। जी 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 ये कोई तरीका नहीं है, यहाँ महाराज के सामने खड़े होकर अपना हक तलब कीजिए। आई आई है मैंने अपना माल दिया है, दाम लेने आया हूँ। हमें अपना हक चाहिए महाराज, हम अपना हक चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें अपना दाम। हमारे ख्याल में तुम जैसे जलील कुत्तों का सिर्फ एक ही नाम है और वो है गुमनामी की मौत। मौत बाबे, हे भगवान, हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा शमशेर सिंह। पहले वो सौदा देखो जो पीछे आ रहा है। महाराज मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। इन चारों के साथ अब हमारा राज हमेशा हमेशा के लिए यही दफन हो गया, अब इसे जानने वाला कोई नहीं रहा। ये राज मुझे तक रहेगा। तुम चिंता ना करो लीला, तुम्हारे पति और तुम्हारे बेटे की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इस नन्हे कुमार को तुम नहीं मैं पालूंगा और इसे रियासत का सबसे बड़ा तलवारबाज बनाऊंगा। देखो बेटा सबसे पहले नमस्कार करो। तलवार उठाओ उमर। Thank you.
तलवार उठाओ चाचा। भवानी माँ की कसम अमर, अब इस देश में किसी की तलवार तेरा मुकाबला नहीं कर सकती। झूठा बेईमान, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं तुम्हारी खाल दे दूंगा। इसे पकड़ के मेरे पास लाओ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? सरकारी लगान वसूल करने आए थे युवराज, ये लड़का बीच में आ गया। हमारे राज में तो राज के खिलाफ उठने वाले हाथ काट दिए जाते हैं। नहीं, इसे माफ कर दो युवराज, ये कभी ऐसा नहीं करेगा। शेर सिंह, तुम्हें कितना लगान चाहिए इस गांव से? 500 मोहरे युवराज। ठीक है, इनमें से 5 आदमी गिरफ्तार कर लो, और 7 दिन के अंदर अगर गाँव वाले लगान न दे सके तो इन 5 को फांसी दे दो। नहीं बेटा, नहीं। किशनगढ़ राज्य के युवराज कुंवर रंजीत नारायण सिंह जी पधार रहे हैं। महाराज की जय। किशनगढ़ राज की तरफ से ये तोहफे स्वीकार कीजिए महाराज। विदाजिए। मैं महाराज और अपनी रियासत की प्रजा की तरफ से किशनगढ़ के युवराज कुंवर रंजीत नारायण सिंह जी का स्वागत करता हूं। इन्होंने हमारे सालाना खेलों में हिस्सा लेना स्वीकार करके खेलों की इज्जत बढ़ाई, और मैं इनका एक और बात से भी आभारी हूं, इन्होंने बागियों का सर कुचलने में हमारी रियासत के सिपाहियों की मदद की। ये क्या फरमा रहे हैं आप दीवान साहब? बगावत बगावत है, चाहे वो हमारे खिलाफ हो या महाराज के खिलाफ। हमने भी युवराज की तलवार की बेशुमार कहानियां सुनी हैं, और हम आने वाले मुकाबले में उसकी चाल और काट देखने के लिए बेकरार हैं। महाराज, मुकाबले का मजा तब आता है जब सामने वाले की कोई जीतने की उम्मीद हो। हम तो जीतते जीतते तंग आ गए, आपका हुक्म था इसलिए हाजिर हो गए। हम भी यही चाहते हैं कि इन मुकाबलों में युवराज जीते, क्योंकि युवराज हमारे मेहमान हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी एक से बढ़कर एक तलवार का धनी मौजूद है। तो दरबार के 3 सुरमाओं को हुक्म दीजिए महाराज कि वो हम पर एक साथ हमला करें। हम ये नहीं चाहते कि किशनगढ़ के युवराज हमारे दरबार में घायल। जख्म का निशान तो राजपूतों के लिए इज्जत का निशान है। अगर आपके सुरमा हमारे सामने आने की ताकत नहीं रखते तो ये और बात है। युवराज, अक्सर मुकाबले में हारने वालों को जान से मार डालता हूं, लेकिन आज आपको वचन देता हूं कि आपके सरदारों को कत्ल नहीं करूंगा। रघुवीर सिंह, अजीत सिंह, संग्राम सिंह, इस अंगूठी को हमारी खिदमत में पेश करने वाला हमारी तरफ से कोई बहुत बड़ा इनाम पाएगा। Thank you.
महाराज ये रही आपकी अंगूठी। देवताओं की कसम युवराज, यही है वो तलवार जो इतिहास के मस्तक पर अपनी नोक से मुल्क और कौम की तकदीर लिखती। महाराज ने एक बड़े इनाम का वादा किया था। हाँ हाँ, हम वो इनाम जरूर देंगे। राजमहल में एक बड़ा आबदार मोती है महाराज, उसी से किशनगढ़ के राज मुकुट की शोभा बढ़ा दीजिए। हम समझे नहीं। हम समझ गए महाराज, हम बिल्कुल समझ गए। वो आबदार मोती है राजकुमारी सुनीता। क्या बात? सुना है किशनगढ़ के राजकुमार ने भरे दरबार में रियासत के सबसे कीमती मोती को मांग लिया है। अच्छा, और महाराज देने के लिए तैयार भी है। मगर कौन सा मोती? आपके सिवा और कौन हो सकता? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। इस रियासत की परंपरा ने वरमाला हमारे हाथ में दे रखी है। हम जिसे चाहेंगे अपना वर चुनेंगे। किले में सालाना खेलों का मुकाबला होने वाला है। तलवारबाजी का पहला इनाम 500 मोरे हैं। युवराज, रंजीत सिंह से कोई नहीं जीत सकता। क्यों? 5 साल से कोई जीता ही नहीं। इस साल मैं जीतूंगा। नहीं, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। इसके सिवा कोई रास्ता भी तो नहीं है माँ, तू डरती क्यों है? तेरे सिवा मेरा है ही कौन? वो जिसे हराता है वही लोगों के सामने बड़ी बेदर्दी से मार डालता है। माँ, अगर मैं जीत गया तो हमारे गांव के 5 आदमियों की जानें बच जाएंगी, और अगर ना जीता तो जहां 5 चिताएं जलेंगी वहां मेरी चिता भी जल जाएगी। नहीं, नहीं। जब्बाल, ओ जब्बाल। हाँ सरदार, आतिशबाजी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। शाबाश। अरे गुलाबा, ओ गुलाबा। आया सरदार। सुन, क्या है सरदार? वो खिलौनों का क्या हुआ? रंग हो रहे हैं। रंग हो रहे हैं? हाँ। शाबाश, जल्दी कर, चल। जब्बाल, हाँ। लगता है इस साल कबीले वालों को मेले में काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। जरूर। और सुन, वो खेल तमाशे वालों का क्या हुआ? शक्ति ने सबको चौकस कर दिया है। ये बात तो है, पर शक्ति है कहाँ? सरदार, जब शक्ति ना मिले तो चमकी को पूछना चाहिए। अभी देखो, चमकी, चमकी। हाँ बाबा, आती हूँ। चमकी, शक्ति कहाँ है? शिकार पर गया है। देख लिया? क्या बात है बाबा? कुछ नहीं, जल्दी जा। अरे जा ना। चमकी, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दे। इतनी बड़ी नदी बह रही है, जा कूद पर। ए, मेरी प्यास उस नदी से कहां बुझेगी? वो तो तेरी। रुको मत, रास्ता छोड़। मुझसे तो बड़ी जली कटी बातें करती है, और शक्ति से? तो शक्ति नहीं है। अरे मैं सरदार का बेटा हूँ। तो इसमें तेरा क्या कमाल है? कभी गुस्सा आ गया ना तो तेरे शक्ति को सूखी लकड़ी की तरह तोड़ के फेंक दूंगा। ये शक्ति। बड़ी तैयारी हो रही बाबा। हाँ, कल राजधानी की ओर कूद चुके हैं। तुम भी चल रहे हो ना? नहीं बाबा, राजधानी की तरफ तो अब मैं एक ही बार कूच करूंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब ये बाबा कि यहाँ पड़ाव पे भी तो किसी को होना चाहिए। अरे तो पड़ाव कहीं भाग जाएगा? तुम हमारे साथ रहते हो तो बड़ा खील हो जाता है। इस साल तुमको हम सबके साथ मेले चलना ही पड़ेगा। उसका कमाल कर दिया, तीसरा शिकार भी चित। बाबा, क्यों भाई, देख नहीं सकते? देख भी सकता हूं और दिखा भी सकता हूं। जा भाई, जा मेला घूम। बड़ा आंकड़ू है अमर भैया, इसे बाद में देखेंगे। क्यों बताऊं, खेल शुरू होने वाले हैं, जल्दी चलो।
बाप बुला रहे हैं। क्यों बताओ? अंगूर खट्टे। इधर आइए। बाजी का मुकाबला होगा। हमारे मेहमान कुंवर रंजीत सिंह जी पिछले 5 साल से यह मुकाबला जीतते आए हैं। मुझे याद है 3 साल पहले तो कोई आया भी था, लेकिन अब 2 साल हो गए किसी ने इनके सामने आने की हिम्मत नहीं की। मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या इस साल कोई तलवार जवान हुई है? हमारे यहाँ के नौजवानों को डूब मरना चाहिए, उनकी रगों में लहू नहीं है, पानी भरा है पानी। लगता है तुम्हारी मौत हमारे हाथ से लिखी है। मेरी तलवार आपके हाथ की हर लिखावट मिटाना जानती है। मत, ये सिपाही सिर्फ इसलिए हैं कि अगर तुम भागना चाहो तो ये तुम्हें भागने न दें। और अगर आप भागना चाहें तो? Thank you.
पिताजी महाराज अन्याय है। जीत इस नौजवान की हुई है, इनाम इसे ही मिलना चाहिए। इस मुकाबले में हम तुम्हारी जीत का ऐलान करते हैं। शाही खजान जी ने मोहरें गिन के रखी होंगी, पूरी 500 हैं। ये मेरे गांव वालों की जिंदगी का दाम। अमर भैया की जय। अबे कोतवाल की थैली देखता है? कोतवाल पे अबे डरता क्यों, आ जा। कोतवाल साहब उधर मारपीट हो गया। पकड़ो इसे, सिपाही हो पकड़ो। चोर जाने लगा है। पकड़ लो इसे, ये भी उस चोर का साथी मालूम है। मेरे बाबा चोर जाने। बाबा को मत पकड़ो, ले बाबा चोर को छोड़ दो। ले जाओ बाबा, ले जाओ, ले जाओ उसको। क्या कहा? बाबा पकड़े गए? हाँ, और चमकी को भी, दोनों किले में ले गए। उनकी ये मजाल, मैं महल की ईंट से ईंट बजा सकती। ताकत से नहीं, अकल से काम। रात का इंतजार करो। शक्ति, पता चला है बाबा को तहखाने में रखा गया है और उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। और चमकी? वो भी वही है। ठीक है, तुम अपने आदमियों से कह दो कि होशियार रहे। ठीक है। बोल बोल, उस रोज मेले में तेरे साथ और कौन कौन? बोल बोल, नहीं तो तुझे तेरा ही खून पिलाऊंगा। मुझे नहीं मालूम। राम दादी अपने सरदार की हड्डियां टूटने का तमाशा देखोगी। मैं तेरे सामने इसकी हड्डियां नहीं तोड़ूंगा, इसीलिए तो तुझे यहां से हटाने के लिए मैं खुद आया हूं। खोल दो इसे। इधर आओ मेरी जान। कोतवाल, मैं सब कुछ बता दूंगा, मेरी चमकी को छोड़ दो। आज तो ये हमारी महफिल में चमकेगी। आओ ये जंगली बोल कहां से डाला शेर सिंह? बंजारन है। तब तो ये नाचती होगी, गाती होगी। काटो। नहीं नाचूंगी। गाओ। नहीं गाऊंगी। कैसे नहीं गाओगी, मैं चाहूं तो पत्थर की मूर्ति को भी गाना पड़ता है, तेरी तो बिसात ही।
बाबा शक्ति कहाँ है? मैं तुम्हारे पास हूं बाबा। शक्ति मुझे ठीक से सजाई नहीं देता, रोशनी कम है बेटा। रोशनी ही कम है बाबा, तेज रोशनी से तुम्हें तकलीफ होगी। मुझे झूठ मत बोल शक्ति, सच बोलने का वक्त है। मेरे पास आ करो बेटा, मेरा तो बिगड़ गया, मेरा बेटा होकर भी मेरा बेटा नहीं है, और तुम मेरे बेटे ना होकर भी मेरे बेटे हो। मैं इस बेटे को तुम्हारे हवाले करता हूँ, और तुम भगवान ये लो रिहाई का परवाना, अपने आदमियों को यहाँ से लो और दफा हो जाओ। कोतवाल साहब बड़ी मेहरबानी, और मेरी तरफ से छोटी सी। छोटी सी क्या मेहरबानी? राजकुमारी जी मंदिर जा रही हैं। हाँ शेर जी, कुछ सिपाही साथ भेज दूं? मंदिर में सिपाहियों की क्या जरूरत है, रहने दो। जैसे आपकी मर्जी, गाड़ी ले जाओ। सुनो ये लो, और जल्दी से जाकर गांव वालों को छुड़ा दो। बहुत अच्छा, लेकिन आप कहाँ चले? क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? अरे मैं तो समझ गया, लेकिन तुम नहीं समझोगे। अरे बच्चे ये अंगूर खट्टे हैं।
ऐसा नहीं राजकुमारी, फर्ज अदा किया। तो फिर हम भी अपना फर्ज अदा करेंगे। हमने हमेशा सूरमाओं की कदर की है, और फिर तुमने तो राजकुमारी सुनीता की जान बचाई है। हम तुम्हारी तलवार के एहसानमंद हैं। तलवार दूसरों की जान बचाने के लिए ही होती है महाराज। शाबाश, हम तुम्हारे जवाब से खुश हुए। अपनी कोई ख्वाहिश जाहिर करो। सिपाही की सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है महाराज, जिसे हार कर किसी के सामने सर झुकाना ना पड़े। लेकिन महाराज का हुक्म टालना बेअदबी की बात है, इसलिए मैं गांव वापस जाने की इजाजत चाहूंगा। हम तुम्हारी ये ख्वाहिश न मंजूर करते हैं, इसलिए कि हम जिस चीज को पसंद करते हैं उसे अपने पास रख लेते हैं। हम तुम्हें शाही रिसाले का सरदार बनाते हैं। आज हम इस तलवार से तुम्हारी इज्जत बढ़ाते हैं, और हमें यकीन है कि कल तुम अपनी बहादुरी से हमारी रियासत की इज्जत बढ़ाओगे। आपको राजकुमारी जी ने आज शाम को शाही बजरे पे बुलाया है। मुझे क्यों? ये तो वो ही जाने। किधर है वो? तलाश करो उसे। ये हमारा बजरा है कुमार। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। ये बजरा भी आपका है और हम भी आपके हैं। अरे तुम क्या सुन रहे हो? जाओ, अमर को जिंदा या मुर्दा हम सामने पेश करो। जाओ। ये अमर कौन है? वही जिसे राजकुमारी ने राजघराने की इज्जत को भुलाकर चुपके से यहाँ बुलाया है। कुमार को हमसे यूं बातें करने का कोई अधिकार नहीं। आप ये न भूलें कि आप यहाँ सिर्फ हमारे मेहमान हैं और हम इस रियासत की राजकुमारी हैं। और राजकुमारी भी ये न भूलें कि वो हमारी रानी बनने वाली हैं। राजकुमार को हम सपने देखने से तो रोक नहीं सकते। क्या है? बजरे पे राजकुमारी की बांधियों और सहेलियों के सिवा कोई नहीं है। युवराज है कैसे नहीं? आवाज सुर में बोलो साहबजादे, सुर में। दुनिया बनाने वाले ने बड़े सुर में ये दुनिया बनाई है साहबजादे। सात सुरों के बाद कुछ नहीं है, और अगर कुछ है तो सिर्फ तुम हो। कौन हो तुम? हम मियां टांग तोड़। टांग तोड़? हम मियां टांग तोड़ खां के वारिस, उस्ताद जुब था हुसैन खां के जानशी, उस्तादों के उस्ताद, उस्ताद जुब था जाने आलम। चला करो बदतमी, बदतमी। चलो राजकन्या, तालीम का वक्त हो गया। ए, कहां ले जा रहे हैं? राजकन्या को तुमसे दूर ले जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि संगीत की तालीम बेसुरों से 40 कदम दूर शुरू होनी चाहिए। नहीं नहीं, जो कुछ करना है यहां करो, हमारे सामने। हाँ, हो।
सरदार का बेटा ही सरदार होता है। यही हमारे कबीले का कानून है और यही हमारे कबीले का कानून रहेगा। मैं तुम्हारा सरदार होने की हैसियत से पहला हुक्म देता हूं, शक्ति को फौरन कबीले से बाहर निकाल दिया जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता। कबीले कानून के बारे में जो कुछ भी कहा गया उसे मैंने सुना। चूंकि मैंने इस कबीले का नमक खाया है, इसलिए मैं हमीरा की सरदारी स्वीकार करता हूं। लेकिन इस कबीले का यह भी कानून है कि नए सरदार को कोई भी मुकाबले के लिए ललकार सकता है और उसे हराकर खुद सरदार बन सकता है। बोलो, है कि नहीं है? ठीक है, ये मुकाबला होगा। आपका कुआं तैयार किया जाए। कसम है उस नमक की जो मैंने तुम लोगों के साथ खाया है। कसम है उस जुल्म की जो तुम लोगों के साथ साथ मुझ पर भी हुए हैं। और कसम है उस हिम्मत की जिसने सरकारी तलवार के साए में रहने के बावजूद भी हमें जिंदा रखा है। मैं इस कबीले की इज्जत को अपनी जान से ज्यादा कीमती मानता हूं
और दुनिया के हर उस इंसान को जिस पे जुल्म और सितम हो रहे हैं अपना भाई मानता हूं, इस कबीले का आदमी मानता हूं और उसकी रक्षा को सिर्फ अपना फर्ज नहीं बल्कि धर्म भी मानता हूं। जुल्म के खिलाफ हमारी लड़ाई आज से शुरू। शक्ति, हाँ, ये नाम सुनते सुनते तो मेरे कानों के पर्दे फट गए हैं। कमाल है, मुट्ठी भर लुटेरे इतनी बड़ी रियासत की फौज के काबू में नहीं आ सकते। लोगों की जुबान पर लिखा हुआ शक्ति का नाम खंजरों से खुरच डालो। अरे मैं कहता हूँ खाक में मिला दो शैतान को, उसे जंजीरों में चकर कर महाराज की सालगिरह के दिन दरबार में पेश करो। वरना कहीं ऐसा ना हो कि महाराज के जलाल की बिजली गिरे और तुम सब लोगों को जलाकर खाक स्याह कर दे। जाओ जाओ। पाए लागू चाची। अरे गोपाल जीते रहो। पाए लागू चाची के चाचा, राम राम माताओं और बहनों। अरे गोपाल तू अकेला है, अमर कहाँ है? क्यों बताऊं? अरे चाची जरा सांस तो लेने दो, मुंह मीठा कराओ। अरे अमर की तबीयत तो ठीक है ना? अरे चाची भला अमर की तबीयत को क्या हो सकता है? क्यों बताऊं, बड़े ठाट से है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। बहुत बड़ा आदमी? क्यों बताऊं, तुम्हारे लिए 200 रुपए भेजे हैं। 200 रुपए? हाँ हाँ, ये थैली खोलकर देख लो, गिन लो, पूरे के पूरे 200 हैं। क्यों बताऊं, मैंने एक भी नहीं खिसकाया। लेकिन इतने पैसे उसे मिले कहाँ से? क्यों बताऊं, वो महाराज की फौज में कप्तान बन गया है। क्या वर्दी है, क्या तलवार है, क्यों बताऊं, जूता इतना चमकदार है कि मुंह देखने के लिए आईने की जरूरत नहीं। क्या हुआ चाची? नहीं, नहीं, नहीं। चाची ये रुपए को फेंक दिए, ये तुम्हारे बेटे की पहली कमाई है। मच्छर रुपए को, ये रुपए नहीं अंगारे, आत्मा जल जाएगी, फेंक देने। अमर नहीं चाहता किस नमक हराम का नमक खा रहा है। मैं से वहां काम नहीं करने दूंगी, कभी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं।
बहुत अच्छे शक्ति सिंह, लगता है तुमने शेरनी का दूध पिया है। और तुम्हारी मां भी धन्य है जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम जैसा तलवारबाज इस रियासत में कोई नहीं, लेकिन तुमने एक वादा किया था। रणवीर सिंह, इनके साथियों को छोड़ दो। जल शक्ति सिंह के लिए तुम लोगों ने मुझे छोड़ा, आज वही शक्ति सिंह दरबार के पालतू शिकारी कुत्तों की खुराक बनने के लिए राजधानी ले जा रहा है। मैं पूछता हूं उसे सरदार बनाकर तुम्हें क्या मिला? बोलो। आज से यहां उस गद्दार का कोई नाम नहीं लेगा, क्योंकि अब मैं इस कबीले में आ गया हूं। मैं जानता हूं कबीले में अब भी उसके हमदर्द हैं। मैं उनके पिछले गुनाह माफ करता हूं, लेकिन तुम कौन होते हुक्म देने वाले जब शक्ति हमारा सरदार है? शक्ति चमके, शक्ति की सारी शक्ति एक जानवर की तरह पिंजरे में बंद है और लोग तमाशा देख रहे हैं। आज से हम तुम्हें अपने खास फौजी रिसाले का सरदार बनाते हैं। कप्तान अमर सिंह जिंदाबाद। कप्तान अमर सिंह पियो पियो भाई पियो पियो। कप्तान का जामे सेहत। मांग मांग मांग, हमसे जिंदगी की भीख मांग। बेवकूफ, अपने मगरूर सर को हमारे कंधों पर गिरा तो शायद हम तेरी जिंदगी को कुछ आसान करते। जिंदगी कब से इस लायक हो गई कि कोई बहादुर आदमी उसके लिए भीख मांगे? हमारा हुक्म है कल भले दरबार में ये नाक रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी की भीख मांग। बेवकूफ, हम इसे जिंदगी की भीख नहीं देंगे। Thank you.
दरवाजा खोल मुझे, राजा खोल मुझे, राजा खोल मुझे, राजा छुप जा, छुप जा राजा। अगर जीना चाहता है तो मेरे हाथ खोल। खोलता हूँ, इसे पहले सामने से दूर करो। खोलता हूँ। राजा तूने शराब पी है? माँ, इतनी सी भी? माँ, शराब से भीगी हुई जबान से मुझे माँ मत पुकार। नहीं माँ, आज अमर, मैंने अपनी जान देकर तेरी जिंदगी खरीदी है और आज तू मुझे ये इनाम दे रहा है। ये वर्दी पहनकर अपने पिता के कातिलों की सेवा में लग गया है। पिता के कातिल? हाँ, तेरी सी महाराज के इशारे पे तेरे पिता कत्ल कर दिए गए थे। तुझे जिनका खून बहाना चाहिए उनका नमक खा रहा है। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? पहले तू बच्चा था, क्या बताती? जब जानने की उम्र आई तब तू यहाँ आ गया। अब तो मैंने सब कुछ बता दिया है, बोल तू क्या करेगा? यहाँ रहकर अपने पिता के कातिल के सामने सर झुकाएगा या सर उठा के जीने के लिए गाँव वापस चलेगा? मैं यही सर उठाऊंगा, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं यही सर उठाऊंगा माँ। और कल भरे दरबार में महाराज से अपने पिता के खून का हिसाब मांगूंगा। नहीं बेटे नहीं, तू ही मेरी जिंदगी की पूंजी है, तेरे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। भगवान न करेगा तुझे कुछ हो गया तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। मुझे वचन दे कि तू वहां नहीं जाएगा। वचन दे बेटे, वचन दे। वचन लेना था तो ये बात बताई क्यों? मैं ये वचन नहीं दे सकता। तो मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। तू जरूर को उल्टी सीधी बात कर बैठेगा बेटे। नहीं, क्या तुम चाहती हो कि मैं कायरों की तरह मुंह छिपाकर भाग जाऊं? ये तलवार मुझे भरे दरबार में मिली थी और जब तक मैं इसे भरे दरबार में वापस नहीं कर दूंगा मैं तुम्हारे साथ गांव नहीं जाऊंगा। तुझे मेरी जान की कसम, तू वहां नहीं जाएगा। और अगर नहीं गया तो मैं अपनी नजरों से गिर जाऊंगा। मगर मैं वादा करता हूं कि वहां जाकर कोई उल्टी सीधी बात नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा दो माँ। एक तो तूने अभी शक्ति सिंह को भगा दिया और ऊपर झूठी झूठी कहानियां सुना रहा है कि कारागार में जंगली चीता घुसाया था। इतना बड़ा खून, वो भी महाराज के सामने? नहीं नहीं दीवान जी, हट जा। मुझ पे दया कीजिए महाराज, मैं सच कहता हूँ, मैंने शक्ति सिंह को नहीं भगाया, उसे चीता ले गया। भगो मत, हमारा हुक्म है शक्ति सिंह की जगह इस नमक हराम को फांसी दे दी जाए। मैं बेकसूर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ले जाओ इसे, इस नमक हराम की यही सजा है। मुझ पे दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, मैं बेकसूर हूँ।
तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे अमर सिंह। आपने शोर किया तो मेरी जान जाएगी। ये क्या बदतमीजी, तुम्हें मालूम नहीं यहाँ पर्दा है? माफी चाहता हूँ राजकुमार जी, लेकिन एक खतरनाक बागी की तलाश में हमें यहाँ आने की गुस्ताखी करनी पड़ी। वो महाराज पे हमला करके भाग गया। तुम्हें मालूम नहीं ये हमारा महल है, हमारी आज्ञा के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। चलो तुम सब भी जाओ, हम तन्हाई चाहते हैं। मेरी वजह से आप खतरा मोल क्यों लेती हैं? आप चलिए, मैं निकल जाऊंगा किसी न किसी तरह। तुम शायद नहीं जानते यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। आओ। ओह, कितना खून निकल रहा है। युवराज ये देखिए खून। कहाँ? यहाँ। अरे हाँ, राजकुमारी, राजकुमारी दरवाजा खोलिए, राजकुमारी। तुम इस कमरे में छुप जाओ। लेकिन भगवान के लिए जिद मत करो, जल्दी जाओ। राजकुमारी हम कहते दरवाजा खोलिए। राजकुमारी साहिबा हम कहते दरवाजा खोलिए, हमें दरवाजा तोड़ने पर मजबूर मत कीजिए, यह हमारा हुक्म है। राजकुमारी आपके दरवाजे में ये खून का है। अरे क्या हुआ आपके हाथ को? कुछ नहीं, बाग में हाथ कट गया था, ऊपर पट्टी बांधने आई। लाइए पट्टी हम बांध देते हैं। हमदर्दी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बेबक के यहाँ कैसे? भाग गया अमर सिंह को पकड़ने के लिए, उसने आपके पिता महाराज की जान लेने की कोशिश की, महाराज बच गए और वो कंपक भाग गया। तो फिर आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से जाइए, अमर सिंह कहीं किले से भाग न जाए। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे, अब क्या करें? जाइए जल्दी, जाइए जाइए। शेर सिंह जल्दी करो, कहीं हम फिर से न भूल जाए। आओ जल्दी। आह
मैंने आपके पिताजी को मारने की कोशिश नहीं की थी राजकुमारी जी। मैं जानती हूँ। अरे आपने मेरी जान बचाने के लिए अपना खून बहा दिया। किसी की जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। कौन यकीन करेगा कि आप उस आदमी की बेटी हैं जो रुक क्यों गए? फिर कभी बताऊंगा। अभी क्यों नहीं? अभी तो मैं जाने की आज्ञा चाहूंगा। और अगर मैं आज्ञा न दूं तो? राजकुमारी आज मैं मामा जी के यहाँ जयगढ़ जा रही हूँ, तुम भी भेष बदल कर मेरे साथ चलो। आपने जाने के लिए महाराज से इजाजत ले ली? वो मेरा काम है। मिला क्यों नहीं मिला? तुम सब के सब नमक हराम हो। याद रखो अगर अमर कहले के बाहर निकल गया तुम सबकी लाशें निकलेंगी यहां से और मैं एक एक को फांसी चढ़ा दूंगा। फांसी अरे ओ सिपहिया, राजकुमारी की तबीयत तनिक ठीक नहीं है, कहवे है कोई अंदर ना आवे। हाँ समझे भाया, चल दो बनिया। हाँ हाँ चलो। राम राम सा। उधर क्या देख रही है बुढ़िया? चल गाड़ी रोको। शेर सिंह इस बुढ़िया को इधर लाओ। अभी तक जिंदा है? क्यों कैसे? शेर सिंह ये यहां कैसे आई? ये अमर सिंह की मां है सरकार। तो ये उस गद्दार की मां है? मेरा बेटा गद्दार नहीं, वो तो आईना है जिसमें तुम्हें अपनी और अपने महाराज की सूरत दिखाई दे रही है। शेर सिंह सरकार यही अमर सिंह। चलो। अरे ये तो राजकुमारी है। सिपाहियों पकड़ो मत, जाने दो, पकड़ो मत, जाने नहीं दे, पकड़ो मत, चलो पकड़ो, बंद करो दरवाजे, बंद करो। एक दो टके का पागे सिपाही राजकुमारी को लेकर फरार हो गया और हमारे सूरमाओं की फौज तमाशा देखती रही। अगर जिंदगी चाहते हो तो अमर सिंह को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। माँ तुम यहाँ बैठो, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ। अरे अमर तूने बताया नहीं ये लड़की कौन है? सब फिर बता दूंगा, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। अब जख्म कैसा है? ठीक है, माँ का ध्यान रखना, मैं अभी आया। अच्छा आखिर महाराज के नमक हलाल सिपाही अमर सिंह से दूसरी मुलाकात हो ही गई। मेरा तुमसे कोई जाती झगड़ा नहीं है शक्ति सिंह। लेकिन मेरा तुमसे जाती झगड़ा है और आज मेरे उस झगड़े के फैसले का आखिरी दिन है। आज की लड़ाई दो तलवारों के बीच नहीं, अमर और शक्ति के बीच में है।
पहचान लीला मां, मैं बड़ा कुमार हूं लीला मां, बड़ा कुमार हूं। बड़ा कुमार? लेकिन वो तो बचपन में। नहीं लीला मां, मैं बच गया था। ये देखो लीला मां, इसे तुमने अपने हाथों से बचपन में मुझे पहनाया था। तुम्हारा ये बेटा जालिम शमशेर सिंह की नौकरी क्यों कर रहा है? अपने बेटे को मैंने इसे बचाने के लिए कुर्बान कर दिया। नीला मां, फिर ये कौन है? नमक का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। बरसों की तपस्या का फल मुझे मिल गया। अब ये बड़ा हो गया है। कुमार, लो संभालो अपने भाई को। जान बचाने के लिए तूने अपने बेटे की बलि दी ना, लेकिन देख देख मां, आज तुझे दो दो बेटे मिल गए। हां लीला मां, अब तक मैं अकेला था, लेकिन अब अमर और शक्ति दोनों भाई मिलकर उस नमक हराम शमशेर सिंह की रियासत की ईंट से
ऐसा लगता है कि इस रियासत में हम कहीं नहीं और अमर शक्ति हर जगह है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। वादी की तरह आते हैं और तूफान की तरह चले जाते हैं। और इस रियासत के सूरमा सरदार अपने कीमती म्यानों में सोई हुई तलवारों को जगाने की तकलीफ भी नहीं उठाते। महाराज, हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखी, पर अमर शक्ति ने आम लोगों में न जाने कैसा जादू कर दिया है कि उनका पता बताने को कोई किसी तरह भी तैयार नहीं होता। लोग कौन होते हैं हमसे उनका पता छुपाने वाले? वो ज़बानें काट दी जाए जो बोलने से इनकार करें, वो सर कलम कर दिए जाए जो झुकने पर तैयार न हो। महाराज की जय हो। आप लोग जा सकते हैं। क्यों, क्या बात है, परेशान क्यों? हाँ महाराज, परेशानी तो जरूर है। अभी अभी खबर मिली है कि अमर सिंह ने और शक्ति सिंह ने रियासत के पुराने झंडे को अपना झंडा बना लिया। क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों रात को? नहीं 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 महाराज, वो दोनों तो उसी रात को मरखब गए थे। ये जरूर हो सकता है कि अमर सिंह ने और शक्ति सिंह ने झंडे का जाल फैला के लोगों को फंसा लिया हो। खैर कोई बात नहीं, मात तुम दोनों की होगी क्योंकि पासा मेरे हाथ में है। क्या मतलब? महाराज, उनके कबीले का एक नौजवान लड़का मेरे हाथ लग गया है, मैंने उसे बातों में पटा तो लिया है। आप चलकर देख लीजिए, लोहा गरम है, ठिकाने पे चोट पड़ गई तो चपटा होके खल जाएगा। शाबाश। क्या इल्जाम है इस पर? चोरी का है महाराज। तो तुम चोरी करते हुए पकड़े गए और हमारी रियासत में चोरी की सजा मौत है। लेकिन अगर तुम शक्ति का पता ठिकाना बतला दोगे बरखुरदार, तो महाराज तुम्हें बख्श भी देंगे और मुंहा का इनाम भी देंगे तुम्हें। मैं सिर्फ अपने कबीले का सरदार बनना चाहता हूँ महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आज से अपने कबीले के सरदार तुम। सच? कबीले के तमाम लोगों की जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में। अब बताओ, शक्ति और अमर कहाँ है? काले पहाड़ पर महाराज। काला पहाड़ जी? तुम्हें देर किस बात की है? दीवान जी, फौज को कूच का हुक्म दिया जाए, हम भी साथ चलेंगे। ठहरिए महाराज। महाराज, फौज इतनी आसानी से पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकती। रास्ता इतना तंग और खतरनाक है कि सिर्फ एक के पीछे एक आदमी ऊपर जा सकता है। ऐसे में शक्ति सिंह को कब्जे में करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है महाराज। तो फिर? तरकीब ऐसी होगी महाराज, कुआं खुद प्यासे के पास चलकर आ जाएगा और फिर ये गुलाम अपने सर की बाजी लगाकर आपकी मदद कर सकेगा। सुना है कल सुबह राजा खजाना सोना घाटी से गुजर रहा है। गुजर नहीं रहा, राज का खजाना सोना घाटी से इधर आ रहा है ताकि वो जनता में बांटा जाए। अगर हम लोग इसी वक्त निकल ले तो सुबह तक सोना घाटी पहुंच सकते हैं। तैयारी की जाए। शक्ति, शाही काफला आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ। अच्छा। जानते हैं तुम इन्हीं पहाड़ियों में कहीं छुपे हुए हो और बागियों के साथ मिल गए। याद रखो, अगर तुमने अपने आप को हमारे हवाले ना किया तो हम इस बुढ़िया का सर उड़ा देंगे। नीचे मत आना बेटे, तुझे मेरी कसम। ये क्या पागलपन है हमारा? ये पागलपन नहीं, मैंने लीला माँ को अपनी माँ माना है। वो लोग उसे जलील करें और मैं अपनी जान बचाए यहाँ खड़ा रहूं? नहीं, लीला माँ को हम आजाद करा लेंगे। अमर सिंह, हम 10 तक गिनती गिनेंगे, अगर तुम तब तक नीचे ना आए तो हम तुम्हारी माँ की लाश को तुम्हारे पास भेज देंगे। नहीं दीवान जी, ये जुल्म है, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक, दो, लीला माँ ने मेरी जान बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दी। मेरी जिंदगी मुझ पर लीला माँ का कर्ज है,
मुझे कर्ज अदा करने दो। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं शक्ति नहीं, दोनों भाई माँ पर कुर्बान हो गए तो तुम्हारे कबीले के लोगों का क्या होगा जिसके तुम सरदार हो? तुम्हारी उस आजादी की लड़ाई का क्या होगा जो तुमने अन्याय के खिलाफ शुरू की है? हाँ शक्ति, तुम्हें अपना फर्ज पूरा करने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। मुझे आज्ञा दो। खबरदार तुम आ ही गए। बांधो इसे भी इसकी मां के साथ। मां, भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटे। मां, शक्ति शक्ति, अमीरा ने हमारे साथ गद्दारी की है। दीवान को भगाकर रास्ता उसने बताया है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अमीरा जहां भी हो उसे पकड़कर हमारे पास लाओ। अमर को बचाने के लिए अमीरा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है।
राजकुमारी नादान है महाराज, इन पर यूं बिगड़ना आपको शोभा नहीं देता। तब नहीं जानते राजकुमार, आज इस लड़की ने कैसी गुस्ताखी की। इसने हमारे प्यार, हमारे विश्वास का अपमान किया है। इसने तुमसे शादी करने से भी इनकार कर दिया। हाँ, मैंने इनकार किया है क्योंकि सीताएं रावणों के गले में वरमाला नहीं डाला। राजकुमारी, महाराज, शादी खुशी से होती है और राजकुमारी साहिबा भी हमारे साथ खुशी से शादी करेंगी। मगर तुम नहीं जानते। महाराज, ये आप हम पर छोड़ दीजिए। पत्थर को मोम करना हमें खूब आता है। अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे कि लड़कियां शादी से पहले अक्सर मुंह फेर लिया करती हैं। सपने न देखो राजकुमार। सपना आप जैसा खूबसूरत हो तो क्यों न देखें। खैर, आइए हमारे साथ, हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं जिसको जिल्लत की मौत से सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। कौन है वो? क्यों डर गई? चलिए और अपनी आंखों से देखिए। वो देखो राजकुमारी, अभी तक तो ये बुढ़िया बड़े मजे में है। राजकुमारी, तकलीफ तो इसे आप हमारे हुक्म से होगी। नहीं राजकुमार, नहीं। बचपन से हमें माँ का प्यार नहीं मिला और लीला माँ ने अपने प्यार से हमारी कमी को पूरा किया। हम विनती करते हैं, इन पर इतना जुल्म मत करो, हमारे लिए छोड़ दो, इन पर दया करो। आपने हम पर दया की जो हम इस पर दया करें? और नहीं, पानी 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 तो दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी पानी ठीक है राजकुमार, आप लीला माँ को छोड़ दीजिए। पिता महाराज ने जो आपको वचन दिया है हम उसे पूरा करेंगे। सुनो, इस औरत को ले जाकर बड़े आराम से रखो। तो क्या आप इन्हें रिहा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे राजकुमारी, लेकिन बागी अमर सिंह की मौत के बाद। हम राजकुमारी सुनीता की शादी की तैयारी से पहले उस नासूर को खत्म कर देना चाहते हैं जो हमारी रियासत के सीने पर पैदा हो गया है। महाराज के हुक्म के मुताबिक बगावत के इल्जाम में हम बागी अमर सिंह को तोप से उड़ा देने का हुक्म देते हैं। महाराज की जय हो। अपने वादे के मुताबिक हमीरा और उसके साथी अजीबो गरीब खेलों से महाराज और रियासत की प्रजा का दिल जीतने की आज्ञा चाहते हैं। ठीक है, बागी को चंद खड़िया और जीने की मोहलत दी जाती।
अब हम महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो खुद आए और उन कीमती और नायाब तोहफों को देखें जो हम राजकुमारी जी की शादी के लिए हाथी में भर के लाए। बाद में पहले हमारे सामने इस बागी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। चलिए बागियों को रोकना मुश्किल है। बहादुर सिंह तुमने बहुत अच्छी बात कही। शाबाश शाबाश। दरवाजे बंद करो, लगा दो ताले। इस मुसीबत को कौन संभाले? शमशेर सिंह वो लोग महल के अंदर घुस आए हैं। मैं रोकम निकला जा रहा हूँ। शमशेर सिंह कुछ करो ना भाई। घबराओ नहीं, यहाँ कोई नहीं आ सकता। बाप रे, तुम शायद ये नहीं जानते शमशेर सिंह कि मेरा बचपन इसी महल में गुजरा है और मैं इसके हर रास्ते से वाकिफ हूं।
तुम दोनों ये गुनाहों का बोझ उठाए कब तक जियोगे? आज मैं तुम दोनों का यह बोझ हमेशा हमेशा के लिए खत्म किए देता हूं। जमशेद सिंह के हाथ इतने कमजोर नहीं शक्ति, तुम जैसे बागियों का सर काटने के लिए अभी तक इनमें दम है। कहाँ जा रहे हो रंजीत सिंह? ओ तो तुम आ गए, कोई बात नहीं, तुम्हारे लहू से लाल किया हुआ शादी का जोड़ा इसे पहनाऊंगा। खंजर फोंको। नहीं नहीं शमशेर सिंह, नीचे नवा शेर है। आज नहीं बचोगे शक्ति तुम मुझसे। नहीं, बाबा को दिया हुआ वचन झूठा नहीं हो सकता। मैं तुझे नहीं मार सकता रे, मैं तुझे नहीं मार सकता। What? जा कबीले वालों की सेवा कर, उन्हें तेरी बहुत जरूरत है। जा मीरा, मैंने तुझे माफ किया। हाँ पानी, पानी, अपनी बदकिस्मती देख शमशेर सिंह, आज तू अपने ही महल में अपने सारे मददगारों के रहते हुए कुत्ते की मौत मारा जा रहा है। याद है मैंने तुझसे कहा था शमशेर सिंह कि तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां तेरे सारे मददगार होंगे मगर तेरी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। तू पानी पानी चिल्लाएगा, पानी होगा और तुझे देने वाला कोई नहीं होगा, मगर मैं तेरी तरह बेरहम और संगदिल नहीं हुए। तुझे पानी मैं दूंगा, मैं दूंगा तुझे पानी, ले पानी।